सबसे सिंपलेस्ट सम फार्मूला है। सपोज मैं इस कॉलम को सम करना चाह रहा हूं, तो इज इक्वल टू, फार्मूला ऑलवेज इज इक्वल टू साइन या प्लस साइन से स्टार्ट होता है, सम। उसके बाद मैं इसको रेंज दूंगा कि कहां से कहां तक सम करना है। ओके, ये टोटल उसका सम आ गया। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इज इक्वल टू साइन एंटर, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू साइन और आप एंटर करेंगे। सम को थोड़ा सा अगर आप एडवांस में देखें, सपोज मैंने ये सम फार्मूला अप्लाई किया, अब अगर मैं यहां पे पहले थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, सम उसके बाद सब टोटल, सब टोटल जैसे ही मैंने अप्लाई किया उसमें काफी ऑप्शंस आती हैं कि आप सब टोटल क्या करना चाह रहे हैं, एवरेज लेनी है, काउंट करना है, सम करना है, बेसिकली क्या परफॉर्म करना है। मैंने जस्ट सिंपल सम परफॉर्म करना है, तो वो ऑप्शन है नाइन। उसके बाद रेंज, रेंज में यहां से यहां तक मैंने इसको सम कर दिया। अब देखिए सब टोटल और सम रिजल्ट सेम है, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जब मैं यहां से फिल्टर अप्लाई करूंगा, सपोज हासिलपुर, ओके, ओ सॉरी, चेक करें, फिल्टर अप्लाई करने के बाद सम वही था जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी, लेकिन सब टोटल जो था वो चेंज हो गया। सब टोटल अकॉर्डिंग टू फिल्टर वर्क करता है, जबकि सम की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अब मैंने हासिलपुर सेलेक्ट किया, उसने हासिलपुर से अकॉर्डिंगली मुझे उसकी वैल्यू शो करवाई सम। ऐसे ही अगर मैं और फिल्टर आगे सेलेक्ट करूंगा, जस्ट लाइक हायर एजुकेशन, तो 23। सम, काउंट, एवरेज ये आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, एक्सेल बाय डिफॉल्ट भी ये देता है। ये कहां से सिलेक्ट करने हैं आप यहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ये सारी ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, जैसे एवरेज था, काउंट था, काउंट चला गया यहां से, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सपोज हम सम करना चाह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है हमारे पास। कंडीशन क्या है? सपोज कि हम स्कूल एजुकेशन को सिर्फ सम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सम इफ, कि एक कंडीशन है, लाइक सम इफ रेंज। रेंज मीन टू से कि आपने जो कंडीशन अप्लाई करनी है उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। मैंने अप्लाई करना है कॉलम डिपार्टमेंट, क्योंकि यहां पे मैं अपना क्राइटेरिया सेट करना चाह रहा हूं, कंडीशन देना चाह रहा हूं। उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या है? स्कूल एजुकेशन, और सम किसको करना है मैंने, सपोज मैंने सम इस कॉलम को करना है, और एंटर करता हूं। जस्ट स्कूल एजुकेशन के मेरे पास वैल्यूज आ गई। यहां से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, बीडब्ल्यूएमसी की टोटल मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, लाइक मैं टाउन वाइज डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगा? सम इफ्स, वो इफ था यहां पे इफ्स एस लगा देंगे। इसमें सबसे पहले सम रेंज है कि सबसे पहले आप अपने सम की रेंज देंगे,
इस कॉलम को मैंने सम करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, माय टाउन। ये क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूंगा, क्राइटेरिया मेरा यहां पे है, बी टू सेल जो है वो मेरा क्राइटेरिया है, अहमदपुर ईस्ट। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू, सेकंड क्राइटेरिया रेंज, सेकंड जो मेरी कंडीशन है वो क्या है, डिपार्टमेंट। ये मैंने डिपार्टमेंट को रेंज को सेलेक्ट किया और यहां से ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। आप मोर देन टू रेंज दे सकते हैं, जैसे क्राइटेरिया रेंज थ्री, क्राइटेरिया रेंज फोर अप टू, ऐसे ये चलता जाएगा। टोटल काउंट जीरो है एडमिन में। अब हम सेल्स की जो फॉर्मूला है उसको लॉक कर लेते हैं। आप F4 या डॉलर साइन से इसको लॉक कर सकते हैं। इसको अगर मैं ड्रैग करता हूं कंट्रोल डी, ये उसने सब सेल्स पे अप्लाई कर दिया सेम ऐसी कंडीशन के साथ। ये देखिए अहमदपुर, डीपीसीओ बहावलपुर, ओके। इसको इसी तरह हम आगे ट्रैक कर लेंगे अप टू दिस। और इसको हम नीचे ट्रैक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल डी, ये उसने अप्लाई कर दिया सब सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर। ये सम इफ्स का था। उसके बाद काउंट की अगर बात करें, उससे पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज वैसे जैसे आप किसी सिलेक्शन करेंगे तो नीचे आपको यहां पे एवरेज नजर भी आ रहा होता है। आप खुद से भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड सेल पे, इज इक्वल टू एवरेज। उसमें आप उसको रेंज देंगे कि कहां से कहां तक की आपने एवरेज चेक करनी है। तो ये 6.24 उसने एवरेज शो कर दिया।